हेलो फ्रेंड्स, टुडे आफ द डिस्कस ऑफ एनटीईटी पीसी 27। बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चंस की। उससे पहले आप लोगों को मैं बता दूं, प्लीज़ चैनल जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। इसमें पूछा क्या है, व्हिच आर द फॉलोइंग आर ट्रू सॉल्यूशंस फॉर बी, सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स, वाटर मॉलिक्यूल, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन दी हुई, फिर ए एंड बी दिया हुआ है। सॉल्यूशंस बी हैज़ हायर वाटर पोटेंशियल्स, आई थिंक दिस इज़ करेक्ट, बट इसमें दिया नहीं है सर। सॉल्यूशंस बी हैज़ लोअर सॉल्यूट पोटेंशियल या सॉल्यूट बी हैज़ हायर डीपीडी, ओके सॉल्यूशंस बी हैज़ लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर, नो, इट साइन एस हैज़ अ निगेटिव वैल्यू, यस। क्वेश्चन नंबर टू, द टर्म स्पीसीज को सबसे पहले दिया था जॉनरे ने, डिवीजन को इचलर ने दिया था, और फाइलम की बात करते हैं तो इसको दिया था कोवियर ने। क्वेश्चन नंबर थ्री, एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू पीसीआर टेक्निक पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में क्या है। टू ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड्स प्राइमर्स एनिलिंग टू ईच ऑफ द टू स्ट्रैंड्स ऑफ डी एन ए एट देयर थ्री प्राइम कॉम्प्लीमेंट्री एंड्स, ओके द ऑप्टिमम टेम्परेचर्स फॉर द पॉलीमराइजेशन इज 90 डिग्री सेंटीग्रेड। हालांकि 90 डिग्री एग्जैक्ट नहीं होता इसमें, 90 to 95 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और इसमें डीनेचुरेशन, एनिलिंग और एक्सटेंशन के लिए अलग अलग टेम्परेचर्स दिए होते हैं। बात करते हैं, डी ऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स ट्राइफॉस्फेट्स आर यूज एज रॉ मटेरियल्स फॉर द सिंथेसिस ऑफ न्यू डी एन ए स्ट्रैंड्स, 17 and 25 न्यूक्लियोटाइड्स लॉन्ग प्राइमर्स इज नीडेड टू बाइंड विद द टेम्पलेट, ओके ये आप देख सकते हैं। डी नेचुरल 90 डिग्री सेंटीग्रेड, 95 डिग्री सेंटीग्रेड, उसके बाद सेकंड एनिलिंग की बात करते हैं प्राइमर टेम्परेचर, उसके बाद फिर थर्ड एक्सटेंशन की बात करें 72 डिग्री सेंटीग्रेड। हालांकि इस पे बेस में इससे पहले वाले टीपीसी में इस पे एग्जैक्ट मैंने सारे टेम्परेचर बताए थे आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर फोर, फॉलोइंग द स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट रिगार्डिंग कैंसर एक्सेप्ट कैंसर, कैंसर ऑफ मेजर ट्यूमर ओरिजिन्स आर कॉल्ड सार्कोमास, नॉट फॉर सार्कोमास, इस कार्सिनोमा। पाप स्मेयर इज यूज्ड फॉर डिटेक्टिंग द ब्रेस्ट कैंसर, ओके इस करेक्ट, नॉट फॉर करेक्ट, पाप स्मेयर टेस्ट फॉर द ब्रेस्ट कैंसर, आई थिंक सर्वाइकल कैंसर। माइग्रेशंस ऑफ कैंसर सेल्स फ्रॉम द साइट ऑफ ओरिजिन टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी एक्सेप्ट छोड़कर, यानी कि वो सब बॉडी फॉर्मिंग सेकेंडरी ट्यूमर्स आर कॉल्ड मेटास्टेसिस, फिर मैग्नेट ट्यूमर्स आर कॉल्ड नियोप्लास्म, आप देख सकते हैं ये। क्वेश्चन नंबर फाइव, इन अ डाई हाइब्रिड क्रॉसेस करेक्टर्स आर कंप्लीट डोमिनेंट एंड इनकम्प्लीट डोमिनेंट रिस्पेक्टिवली, द एफ टू फेनोटाइपिक रेशियो ऑफ सेल्फ क्रॉस विल बी, आई थिंक सी इज रॉन्ग बट ए इज करेक्ट, 9:3:3:1। क्वेश्चन नंबर सिक्स, द लार्जेस्ट नोन ह्यूमन जीन इज डिस्ट्रोफिन हैविंग 2.4 मिलियन बेसिस, ओके क्वेश्चन नंबर सेवन मैच करना है। पॉलन कल्चर की बात करते हैं, हैप्लॉइड प्लांट्स, फिर हिमग्रीड डिजीज रेजिस्टेंस फॉर वीट वैरायटी, प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन्स की बात करते हैं, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन, फिर बायोफोर्टिफिकेशन, फिर ब्रीडिंग फॉर हायर न्यूट्रिशनल वैल्यू। क्वेश्चन नंबर एट, अ माइक्रोबियल बायो कंट्रोल एजेंट दैट कैन बी यूज टू कंट्रोल बटरफ्लाई कैटरपिलर्स इज बैसिलस थुरिजिनेंसिस। क्वेश्चन नंबर नाइन, गोल्डन एज ऑफ डायनासोर्स वॉज ड्यूरिंग फॉर मेसोज़ोइक एरा। क्वेश्चन नंबर टेन, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, द ट्रांसजेनिक फूड मे कॉज टॉक्सिसिटी एंड प्रोड्यूस एलर्जी इन द ह्यूमन बींग्स, हाँ हालांकि हो सकता है बट दिस इज रेयर, ये बहुत ही कम रेयर है, इसमें पॉसिबिलिटी लेकिन है ऐसी। उसके बाद बात करते हैं सेकेंड की, द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द एलिमेंट्री कैनाल ऑफ ह्यूमन्स बींग मे बिकम रेजिस्टेंट टू द एंटीबायोटिक्स
taking up the antibiotic resistance gene that is present in the gene modified food. यानी कि दोनों करेक्ट हैं. क्वेश्चन नंबर 11, द इम्पैक्ट ऑफ पॉल्यूशन इज फर्स्ट एंड मोस्ट मार्क्ड ऑन नेचुरल जियोकेमिकल साइकिल नेचुरल फ्लोरा ऑफ फ्लैश नो नेचुरल बैलेंस ऑफ आवर इन्वायरमेंट. फिर कोनेडिया एंड जियोस्पोर्स आर एसेक्सुअल स्पोर्स. व्हाट इज अनदर टर्म यूज्ड फॉर विथड्रॉल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन फॉर कोइटस इंटरप्टस. फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की. सी इल्टन डिवाइज्ड एन इकोलॉजिकल पिरामिड इन 1927. इट इज अ ग्राफिक डायग्राम दैट शोस रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस ट्रॉफिक लेवल्स ऑफ अ फूड चेन. क्वेश्चन नंबर 16, विच आर द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग स्पीशीज डाइवर्सिटी. के लिए कौन सा करेक्ट नहीं है. बायोडाइवर्सिटी इज लिमिटेड इन टेम्परेट रीजन्स. ओके, डाइवर्सिटी बिटवीन टू कम्युनिटीज इंक्रीजेज विद इंक्रीज एक्सप्लोर्ड एरिया. डाइवर्सिटी डिक्रीज फ्रॉम द लोअर टू हायर एल्टीट्यूड ऑन अ माउंटेन. ओके, बट ऑप्शन नंबर डी, स्पीसीज रिचनेस डिक्रीज विद द इंक्रीजिंग एक्सप्लोरा एरिया. ओके, बट सर्टेन लिमिट. ओके, क्वेश्चन नंबर 17, द स्पर्म एंड एग मेक डिफरेंट कॉन्ट्रीब्यूशन टू द डायगोट. विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट देयर कॉन्ट्रीब्यूशंस आर ट्रू. स्पर्म कॉन्ट्रीब्यूट मोस्ट ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया. आई थिंक दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया, दिस इज करेक्ट है. बट एग कॉन्ट्रीब्यूट्स मोस्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म. ओके, बोथ स्पर्म एंड एग कॉन्ट्रीब्यूट हैप्लॉयड न्यूक्लियस. ये भी करेक्ट है. बोथ स्पर्म एंड एग कॉन्ट्रीब्यूट सेंट्रियोल्स. नो, आई थिंक नो. क्वेश्चन नंबर 18, इन करेक्ट मैच फॉर द फॉलोइंग. मोनोकॉट स्टेम्स फॉर रेडियल वैस्कुलर बंडल्स. नो. फिर डाइकॉट रूट एग्जार्स प्राइमरी जाइलम्स. डाइकॉट स्टेम एंडार्स प्राइमरी जाइलम. डाइकॉट लीफ पैरेन्काइमेटस बंडल्स सीथ. हालांकि इस पर मैंने पहले ही अगले टीपीसी में इसको एक्सप्लेन कर रखा है. क्वेश्चन 19, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स इज PPLO. क्वेश्चन 20, एक्सक्रीशंस ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स इज सेमी सॉलिड फॉर्म अकर्स इन यूरिकोटेलिक एनिमल्स. क्वेश्चन 21, ड्यूरिंग मसल्स कॉन्ट्रैक्शंस क्रॉसेस ब्रिज इज फॉर्म्ड बिटवीन एफ एक्टिन एंड मायोसिन हेड. क्वेश्चन 22, द मेज ग्रेन हैज एन एम्ब्रायो विद वन लार्ज सील्ड शेप्ड कॉटिलेडंस नोन एज फॉर स्कोटिलम. ये डायरेक्ट एनसीईआरटी का फिगर दिया हुआ है. विद रिस्पेक्ट टू लोकेशंस ऑफ द फॉलोइंग एपिथेलियम फॉर फैलोपियन ट्यूब. सीलेटेड एपिथेलियम. क्वेश्चन 24, इस लगभग हर एक एनटीए में ये क्वेश्चन पूछा ही गया है और ये हर बार इससे रिलेटेड एग्जाम में भी पूछा ही जाता है क्वेश्चन. ईसीजी ऑफ द नॉर्मल ह्यूमंस विच वन ऑफ इट्स कंपोनेंट इज करेक्टली इंटरप्रेटेड. हालांकि बात करते हैं पी की. पी डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया को रिप्रेजेंट करता है. क्यू आर एस डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल को रिप्रेजेंट करता है. जो टी है या डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स को रिप्रेजेंट करता है. यानी कि कॉम्प्लेक्स क्यू आर एस वन कंप्लीट पल्स. ओके, क्वेश्चन 25, इन विच ऑफ द फॉलोइंग द एंजियोस्पर्म्स रिजेंबल द जिम्नोस्पर्म्स. साइफोनोगैमी. क्वेश्चन 26, द फिनोमेना ऑफ डिले ऑफ सेनेसेंस बाय साइटोकाइनिन इज नोन एज रिचमोंड लैंग इफेक्ट. इसमें मैच करना. माइकोप्लाज्मा की बात करते हैं तो 0.3 माइक्रोमीटर लेंथ का होता है. फिर बात करते हैं ह्यूमन आरबीसी की, 7 माइक्रोमीटर इन डायमीटर. फिर बात करते हैं नर्व सेल्स की. नर्व सेल्स लॉन्गेस्ट सेल्स होती हैं. बात करते हैं टिपिकल यूकैरियोटिक सेल्स की. टिपिकल यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं 10-20 माइक्रोमीटर इन लेंथ की. बात करते हैं 28 को. क्वेश्चन नंबर 28 की, द फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड इन सी4 प्लांट्स ऑक्सैलोएस्टिक एसिड. फिर क्वेश्चन नंबर 29,
29 में क्या है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन कंसिडरिंग द स्टेटमेंट्स मोस्ट रिसेंट स्टडीज पॉइंट आउट दैट स्पीसीज फेसिंग कॉम्पिटिशन माइट इवॉल्व मैकेनिज्म दैट प्रमोट को एग्जिस्टिंग रैदर दैन एक्सक्लूजन. ओके, गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल इज इफेक्टिव वेन रिसोर्सेज आर इन एक्सेस. नो, यानी कि ऑप्शन ए ही करेक्ट है. क्वेश्चन नंबर 30, प्लांट्स एब्जॉर्ब सल्फर इन द फॉर्म ऑफ SO2 फ्रॉम एयर. क्वेश्चन नंबर 31, न्यूमोटैक्सिक सेंटर इज प्रेजेंट इन पोन्स रीजन. क्वेश्चन नंबर 32, ड्यूरिंग द एलिमेंटल एनालिसिस ऑफ टिश्यू इफ द टिश्यू इज फुल्ली बर्न्ड ऑल द कार्बन कंपाउंड्स आर ऑक्सीडाइज टू गैसियस फॉर्म एंड द रिमेनिंग इज कॉल्ड एज. This as contains which of the following is sodium, potassium, calcium and magnesium. Question number 33, a plant cell has 16 bivalent. Okay, prophage first of the meiosis, how many chromosomes and chromatids respectively will be present in each gametes of this plant? 16 chromosomes and 16 chromatids. Explanation sab log dekh sakte hain. Question number 34, which part of the large intestine host some symbiotic microorganism is cecum? ये represent करता है, हालांकि इससे related कई बार question exam में पूछा जा चुका है. और ये represent क्या करता है, tenophora. और इसमें क्या है, intra and extracellular digestion. और इसमें comb plate देखने को मिलती है और ये bioluminescence को represent करता है. क्वेश्चन नंबर 36, अ डेंस लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू दैट सराउंड्स द इंटायर नर्व मेड ऑफ नंबर ऑफ फैसिकुलाई इज कॉल्ड एज इफी न्यूरॉन. इपी न्यूरियम नॉट फॉर हार्मोन इज प्राइमरी मैसेंजर. क्वेश्चन नंबर 38, मैग्नीशियम इन क्लोरोफिल फॉस्फोरस इन ATP इंडिकेट्स द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स अंडर एलिमेंट्स दैट आर द कंपोनेंट ऑफ एनर्जी रिलेटेड केमिकल कंपाउंड्स. क्वेश्चन नंबर 39, इफ द pH ऑफ द स्टमक इज मेड 7, विच कंपोनेंट ऑफ फूड वुड बी अफेक्टेड फॉर प्रोटीन. क्वेश्चन नंबर 40, रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस इज सेक्स लिंक्ड रिसेसिव. क्वेश्चन नंबर 41, दे हंटेड बट they did not eat meat. Okay, homo habilis, yes, homo erectus khate the meat, but australopithecus does not eat meat. Yani ki first and third is correct. Given pie diagram represent the relative contributions of the various g2 टोटल ग्लोबल वार्मिंग. सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट इज रिगार्डिंग ए बी सी. बात करते हैं ए की, ए है CO2 को रिप्रेजेंट करता है. फिर बात करते हैं बी की, बी है मीथेन को रिप्रेजेंट करता है 20%, और ये ए है 60% होता है. और जो बात करते हैं अगर 14 यानी कि सी की, सी है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स को रिप्रेजेंट करता है जो कि 14% और 6% फॉर नाइट्रोजन टू दिया ही है. यानी कि ए इज गैस विच इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग द कम्बशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स. ओके, क्वेश्चन नंबर 43, हाउ डज पोलियोमाइलिटिस स्प्रेड फॉर फीकल ओरल रूट्स. क्वेश्चन नंबर 44, द प्रोजेनिटर ऑफ द नेक्स्ट जनरेशन इन मैच्योर सीड इज एम्ब्रायो. सीधे एनसीईआरटी का क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें कि पूछ रहा है मारूला एंड ब्लास्टुला. मारूला ये सीधा दिया है, ब्लास्टुला ई नंबर यानी कि ब्लास्टोसिस को रिप्रेजेंट करता है, और सी नंबर की बात करते हैं ये है मारूला को रिप्रेजेंट करता है एटोसिस्ट. क्वेश्चन नंबर 46, इन विटेकस क्लासिफिकेशन विच किंगडम इज द मेन प्रोड्यूसर्स फॉर प्रोटिस्टा. क्वेश्चन नंबर 47, विच आर दी फॉलोइंग इज नॉट अस राइजोम. कोलोकैसिया नहीं है, कोलोकैसिया इसको अरवी या घुइया बोलते हैं. लोटस जिंजर ट्यूमर है, ट्यूमरिक टर्मरिक. क्वेश्चन 48, ईच ट्रॉफिक लेवल हैज अ सर्टेन मास ऑफ लिविंग मटेरियल एट अ पर्टिकुलर टाइम इट इज कॉल्ड एज स्टैंडिंग क्रॉप.
क्वेश्चन 49, विच पार्ट ऑफ काकरोच हैज बोथ एक्सोस्केलेटन एंड एंडोस्केलेटन फॉर हेड। क्वेश्चन 50, अ ग्रुप ऑफ स्पोरेंजिया अटैच्ड टू प्लेसेंटा एंड कवर्ड बाय इंडोसियम इज कॉल्ड सोरस। क्वेश्चन 51, मेनी सैटेलाइट्स यूटिलाइज्ड ड्यूरिंग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग्स आर रिपीटेटिव नॉन कोडिंग शॉर्ट डीएनए सीक्वेंस। क्वेश्चन 52, द रेस्पिरेटरी एक्टिविटी इन सेल्स मैच्यूरेशन फेज एज कंपेयर टू अदर फेजेस इज लेस। क्वेश्चन 53, फेलर ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमैटिड्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन रिजल्ट्स इन द गेन और अ लॉस ऑफ क्रोमोसोम्स, दिस लीड्स टू कंडीशंस कॉल्ड एनयूप्लॉयडी। क्वेश्चन 54, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एट्रीब्यूट्स डज एन individuals have but the population does not possess for life span। Question 55, which one factor is not included in evil quartet? Not include habitat loss and fragmentations, over exploitations, alien species invasion, but pollutions and disturbance, no coexistence, four hi diye hue initiative। Question 56, find out the correct match, cry first AB cottons for ballworm, cotton ballworm। Question 57, uninucleated and pigmented conidia are characteristic features of penicillium। Question 58, activated cells formed during secondary treatment in a sewage treatment plant can be further used as feed for biogas productions, inoculum for oxidation rank, biopesticide, no। Question 59, glycolate cycles occurs in which of the following organelles? Peroxisome, mitochondria, chloroplast। Question 60, the mature fertilized egg, ovule and the ovary respectively give rise to embryo, seeds and fruits। ये एनसीईआरटी का सीधा फिगर दिया हुआ है, highly thickened dead cells with a broad lumen, incorrect दिया है, but their cells wall are highly thickened and lignified, okay, provide mechanical support to plants organs, present singly or are in groups। Question 62, in glycolysis during oxidation electrons are removed by NAD plus। Question 63, select the correct to find an answers, MTP is voluntary terminations of pregnancy before full terms, okay, nearly 45 to 50 billion MTPs are performed in a year all over the world, no this is wrong, but government of India legalized MTP with some strict conditions in 1971, okay, MTP act was amended in year 2017, amendment हुआ था 2017, ओके okay। ये दिया है क्वेश्चन नंबर 64। बात करते हैं किस क्वेश्चन नंबर 64 की, अगर तो हर्माफ्रोडाइटिक यानी कि फर्स्ट दिया है, फर्स्ट नंबर यानी कि फेवेसी फेवेसी का फिगर की बात करते हैं अगर हम, तो आई थिंक फर्स्ट दिया है, फर्स्ट ओके फर्स्ट फर्स्ट दिया है फेवेसी का एग्जांपल,
फेबेसी के एग्जांपल हैं, पल्सेस हैं, फिर उसके बाद एडाइबल है, ऑयल से एडाइबल ऑयल, फिर सिसबानिया है, ट्राइफोलियम है, ट्राइफोलियम प्रोटोमोलियटी, मूंग, ग्राम, ओनियन, मकोई, सोयाबीन, ग्राउंडनट, चलो अगला देखते हैं। फिर सेकंड सेकंड दिया है, सेकंड नंबर ये दिया है सोलेनेसी, सोलेनेसी का मेंबर, अगर सोलेनेसी सोलेनेसी सोलेनिक एसिड का फिगर है, फिगर नंबर क्यों, क्यों 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 सोलेनेसी का फिगर मकोई। फिर दिया है सी नंबर, सी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टू दिया है, आई थिंक ब्रैसिकेसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ब्रैसिकेसी का अगर ब्रैसिकेसी के फिगर की बात की जाए तो जिसमें दिया एस नंबर, ये है ब्रैसिकेसी, ब्रैसिकेसी में मस्टर्ड आता है। फिर डी नंबर, डी है लिलिएसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, लिलिएसी का फिगर, लिलिएसी का फिगर दिया है आर नंबर, और आर पे आर में आता है आई थिंक बीन, जस्ट वन सेकेंड आई विल चेक फॉर बीन, लिलिएसी में टूलिप और ग्लोरियोसा आता है, एलोवेरा आता है, स्पार्गस आता है, कोलचिन कोलसेसिन आता है, ऑटमनल आता है, ये इसका करेक्ट आंसर दिया है। क्वेश्चन नंबर 65, अ मैन विद ब्लड ग्रुप ए मैरीज अ वुमेन विद ब्लड ग्रुप बी, व्हाट आर ऑल पॉसिबल ब्लड ग्रुप्स ऑफ देयर ऑफस्प्रिंग आर ए बी, ए बी एंड ओ टाइप। क्वेश्चन नंबर 66, व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल ग्लोबल कार्बन इज एटमॉस्फेरिक कार्बन, हालांकि 0.3% होना चाहिए बट इसमें 1% दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 63, वायरॉइड डिस्कवर्ड बाय द डाइनर 1971 आर इन्फेक्शियस एजेंट्स एंड कॉजेस डिजीज इन प्लांट्स ओनली, दे डिफर फ्रॉम वायरसेस इन बीइंग, हालांकि इस पे नी 2020 में भी क्वेश्चन आया था, नेकेड सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए मॉलिक्यूल्स ऑफ 250 टू 400 न्यूक्लियोटाइड्स विदाउट प्रोटीन कोट। क्वेश्चन नंबर 68, व्हाट इज द फिनोटाइपिक रेशियो ऑब्टेंड इन क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस ऑफ अ डाइहाइब्रिड क्रॉस, 1:4:6:4:1, आई थिंक दिस इज रॉन्ग बट टू वर्स्ट, ओके। क्वेश्चन नंबर 69, द सिग्नेचर्स ऑफ विच ऑफ दीज हार्मोन्स वुड बी इंक्रीज्ड इन द पर्सन विद एंडेमिक गोइटर, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। क्वेश्चन नंबर 70, विच वॉज द फर्स्ट एंजाइम टू बी क्रिस्टलाइज्ड एंड प्योरिफाइड फॉर यूरियास। क्वेश्चन नंबर 71, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स ऑफ ह्यूमंस फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल्स इन अ सीक्वेंस, सीक्वेंस को बताना है, ए सिक्रेशन ऑफ एफएसएच, ओके, फिर बात करते हैं सी की से ग्रोथ फॉलिकल्स, ओके, फिर बात करते हैं ई की ई है सडन इंक्रीज इन द लेवल ऑफ एलएच, उसके बाद फिर है ओवुलेशन होता है, फिर होता है ग्रोथ ऑफ द कॉर्पस ल्यूटियम। क्वेश्चन नंबर 72 में क्या है, जीवन फेज की बात करते हैं, जीवन फेज में होता है क्या है कि ये लॉन्गेस्ट फेज ऑफ द सेल साइकिल, फिर एम फेज की बात करते हैं तो एम फेज में होता है लेस देन 5% ऑफ द टोटल ड्यूरेशन ऑफ द सेल साइकिल, एस फेज में होता है कि डीएनए कंटेंट डबल होता है, जी जीरो फेज होता है सेल ऑफ
questions stage. Question number 73. Frog is eudicotylic, but a tadpole is a monotelic. Question number 74. Read the following statements. बताना क्या true. कितने true हैं. Spleen act as the filter of the blood by trapping blood bond microorganism. Okay, this is correct. यानी कि stored होता है spleen में blood. फिर HIV infections more often spreads due to conscious behavior. Behavior pattern antibodies against cancer specific antigens are also used for detections of certain cancers. The use of alcohol during adolescence may also have long term effects. It could lead to heavy drinking in adulthood. Question number 75. Read the following statements carefully and identify the correct statement and select the correct options from options given below. When a flower can be divided in two equal halves by the more than one plane, then it is known as actinomorphic flower. फिर बात करते हैं बी. निफेंथिस कंप्लीट लीफ इज मॉडिफाइड इन पीचर्स टू ट्रैप इंसेक्ट. नो. इन एस्पार्गस एंड रस्कस क्लेडोड ऑब्जेक्ट. ओके. इन सिंपल लीव्स इंसिजंस आर ऑलवेज एब्सेंस. ओके. नो फॉर दिस इज नॉट करेक्ट. यानी कि ए एंड सी आर करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 76. विच ब्रेन स्ट्रक्चर्स कन्वर्ट शॉर्ट टर्म मेमोरी टू लॉन्ग टर्म मेमोरी. हिप्पोकैम्पस. क्वेश्चन नंबर 77. द फिनोमेनन ऑब्जर्व इन सम प्लांट्स वेयर इन पार्ट्स ऑफ द सेक्सुअल अपैरेटस इज यूज्ड फॉर द फॉर्मिंग एम्ब्रायोस विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड एपोमिक्सिस. क्वेश्चन नंबर 78. द जूस कंटेनिंग सोडियम ग्लाइकोलेट इज रिलीज्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ कोलेसिस्टोकाइनिन. क्वेश्चन नंबर 79. विद रिस्पेक्ट टू सेल वॉल. ओके. सेल वॉल. द सेकेंडरी सेल इज फॉर्म्ड ऑन द आउटर साइड ऑफ द प्राइमरी वॉल. क्वेश्चन नंबर 80. बॉडी कैविटी ऑफ एनेलिड्स ऑब्लिक नेरीस इज सीजोसील. क्वेश्चन नंबर 81. न्यूक्लिक एसिड आर स्ट्रॉन्ग एसिड. द एसिडिटी इज ड्यू टू फॉस्फेट्स के कारण. फॉस्फेट्स ग्रुप जिसको फ्रेडरिक मिक्सचर इन द ईयर 1868 फ्रॉम द न्यूक्लियस. क्वेश्चन नंबर 82. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एडाप्टिव रेडिएशन. का एग्जाम्पल कौन सा नहीं है. इवोल्यूशन ऑफ बटरफ्लाई एंड हमिंग बर्ड्स फॉर एरियल बर्ड्स एरियल हैबिटेट्स. नो. बट इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट मार्सुपियल्स इन ऑस्ट्रेलिया. इवोल्यूशन ऑफ डार्विन फिंचेस. इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट प्लेसेंटल्स मैमल. क्वेश्चन नंबर 83. इंडिविजुअल फिर पॉपुलेशन. पॉपुलेशन के बाद बनती है कम्युनिटीज. वेरी इजी क्वेश्चन. क्वेश्चन 84. इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओगैमस एंड ए कंपनीड बाय कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट इज आल्सो पॉलीसाइफोनिया. क्वेश्चन नंबर 85. आइडेंटिफाई फिनोमेना बेस्ड ऑन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. द फिनोमेना विच रिजल्ट्स इन द अल्टरेशंस ऑफ द डीएनए सीक्वेंस एंड कॉन्सिक्वेंटली रिजल्ट इन चेंजेस इन द जीनोटाइप एंड फिनोटाइप ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स. फिर बी है इन एडिशन टू रिकॉम्बिनेशंस इट इज अनदर फिनोमेना दैट लीड्स टू वेरिएशंस इन डीएनए. द फिनोमेना एक्सप्लेन्ड अबव इज म्यूटेशंस. क्वेश्चन नंबर 86. मोनोकॉट विद रेटिकुलेट विनेशन इन लेमिना इज स्माइलेक्स. क्वेश्चन नंबर 87. विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैपेबल ऑफ रिप्रोड्यूसिंग सेक्सुअली. प्लाज्मोडियम. क्वेश्चन नंबर 88. एन एग्जांपल्स ऑफ जीन थेरेपी इज इंट्रोडक्शंस ऑफ जीन फॉर एडिनोसिन डीएमएनएस इन द पर्सन सफरिंग फ्रॉम एससीआईडी. क्वेश्चन नंबर 89. जो ए दिया है स्केला वेस्टिबुलाई को रिप्रेजेंट करता है. जो बी दिया है वो रेसिनस मेम्ब्रेन को रिप्रेजेंट करता है. जो सी दिया है स्केला टिम्पैनी. और जो डी दिया है वो टेक्टोरल मेम्ब्रेन को रिप्रेजेंट करता है. यानी कि ये सीधा एनसीईआरटी का डायग्राम है. क्वेश्चन नंबर 90. क्वाइल्ड डेंस डीप स्टेन पोर्सस ऑफ द क्रोमोसोम्स आर डिजाइनेटेड एज हेट्रोक्रोमेटिन.
इस प्रकार से आपके 90 क्वेश्चन पूरे होते हैं। प्लीज़ जिन लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ की मैं पर डे एक NTA TPC को सॉल्व करके अपलोड करता हूँ प्लीज़। तो आप लोग जितने लोगों ने नहीं किया अब तक सब्सक्राइब करिए चैनल्स को और सब्सक्राइब करिए, और जो लोगों ने नहीं किया वो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, ताकि जिन लोगों को इसके बारे में पता नहीं वो सब्सक्राइब करें और वो चैनल्स वो पर डे 90 क्वेश्चन को सॉल्व करें। और मैं इतनी जल्दी से इसलिए करवा देता हूँ ताकि टाइम्स कम कंज्यूम हो। हालाँकि आपके पास भी ऐप होगा, आप लोग देख सकते हैं, और ज़्यादा एक्सप्लेन करने से फिर ज़्यादा टाइम जाता है, ज़्यादा फिर वीडियो बड़ी होगी। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, आई होप एवरीबडी आर अंडरस्टैंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर से।